वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज अभी निकला है जनाब मैंने पिंडी और मौसम जो है बड़ा ही गर्म है, बहुत शदीद धूप है, लेकिन बाजार जाना भी लाजमी है क्योंकि कल जो की हुई है बुकिंग उसका सामान हर हाल में आज लाना है, अदरवाइज ऑर्डर सारे हो जाएंगे कैंसिल। तो अभी मैं करता हूँ कपड़े चेंज और फिर इंशाल्लाह निकलते हैं बाजार की तरफ। उम्मीद है कि उस दिन की तरह मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, दिन में बारिश वगैरह क्या हो जाए, लेकिन अल्लाह करे मेरे घर वापस आने के बाद ही बारिश हो, कि रस्ते में अगर होगी तो मेरे कॉटन वगैरह सारे भीग जाएंगे, क्योंकि गाड़ी तो नहीं लेके जा रहा हूँ बाइक पर, और बाइक पर डेफिनेटली अगर बारिश होगी तो काम हो जाएगा गड़बड़। बच्चों ने यहाँ पर अपना यबन टीटा फैलाया हुआ है, अपनी चीज़ें संभालो बेटा, मैंने बाइक निकालना है अभी। ओके, तो जब तक ये अपनी चीज़ें यहाँ से समेटते हैं मैं निकालता हूँ बाइक। बाइक का भी बुरा हाल हुआ है, इसके भी वॉश करना है या कराना है। एनीवेज इसका तो बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल जो काम स्टार्ट किया है उसको ख़त्म करते हैं। वर्किंग मूड हो गया है ऑन, लेकिन ये मौसम और गर्मी लगता है आज की बैटरी जो है जल्दी लो कर देगा, लेकिन इससे पहले बैटरी बिल्कुल डेड हो पेंडी, आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शुक्रिया। तो अभी जिस कलर की मैंने शर्ट और टी शर्ट पहनी है मैंने गलती की है, इन कलर्स को देख के वैसे ही गर्मी में तबीयत अजीब सी हो जाती है, मैं तो ये पहन के आगे ऊपर गर्मी शदीद किस्म की है। बट एनीवेज अब जो भी है काम तो चलाना है, निकलते हैं बाजार जल्दी जल्दी अपना काम करते हैं फिनिश, ताकि इससे पहले कि बैटरी डेड हो हम वापस घर पहुँच जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाजार पहुंच गया हूं, तो लेते हैं अब अपना सामान और निकलते हैं घर की तरफ, इससे पहले कि बैटरी जो है वो डेड हो। तो सामान सारा मैंने इकट्ठा करके बाइक के साथ बांध दिया है, और गर्मी की सूरत हाल ये है कि लगता है तंदूर के पास खड़ा। तो चलते हैं आप निकलते हैं घर, क्योंकि धूप भी शदीद लगी हुई है और मौसम भी जैसा कि मेरी कंडीशन से आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि इसे यहाँ पे खड़ा होकर इंजॉय किया जा सके। तो मारते हैं कि और निकलते हैं घर की तरफ। तो अभी तोड़ना है जी हमने टमाटर और कुछ लेके जाना है पुदीना चटनी के लिए। यहाँ पे शायद की मक्खियों का छत्ता है, मुझे डर है कि आंधी और बारिश आ रही है, क्योंकि उस दिन भी बच्चों ने पत्थर मार के इनको छेड़ दिया था, और ये बड़ी मुश्किल से छत्ता यहाँ पे लगा है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, पहले टमाटर तोड़ लेते हैं। माशाल्लाह टमाटर चेरी टमाटर जो है हमारे काफी ज्यादा पके हैं, क्योंकि तकरीबन 5-6 दिन से टमाटर तोड़े नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन आधा पो चेरी टमाटर जो है ये उतरे हैं, और उम्मीद है कि कल तक कुछ और भी जो है वो पक जाएंगे। सो अभी यहाँ से जस्ट तोड़ना है पुदीना चटनी के लिए, और फिर चलते हैं अंदर और आपको दिखाता हूँ शायद की मक्खियों का छत्ता। तो चटनी का सामान हमारा हो गया पूरा, लेकिन ये वाले टमाटर एज अ सैलड यूज करेंगे। ये रहा हमारा पुदीना, कल अम्मी भी काफ़ी सारे चेरी टमाटर जो हैं वो तोड़ के लाई हैं, लेकिन उन्होंने कर दी हैं फ्रीज। मैंने ये लगाने का मकसद मेरा ये था कि ये एज अ सैलड यूज़ करेंगे, लेकिन चले मम्मी ने ये फ्रीज़ कर दी है, ये तो अब हांडी में यूज़ करने पड़ेंगे या चटनी वगैरह में। ये स्प्रे ना करने का नुकसान ये है, क्योंकि इस पे बोरिक पाउडर या बोरिक एसिड का स्प्रे लाजमी करना पड़ता है, जब दाना आपका तकरीबन मकई के दाने या उससे थोड़ा सा बड़ा हो तब लीची के फ्रूट पे स्प्रे वो बोरिक पाउडर का करना पड़ता है। उसके दो फायदे होते हैं, एक तो ये कि फल आपका गिरना काफी कम हो जाता है, दूसरा ये वाला जो मसला है फल फटने का ये नहीं रहता। मेरा काफी सारा फल जिस तरह वो है ये काफी सारा फट के गिर भी चुका है, ये फट रहा है, पता नहीं इसका कोई हल इस स्टेज पे आके होगा या नहीं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको शहद की मक्खियों का छत्ता जो इन्होंने बड़ी गलत जगह पे बनाया है, यहीं से देख लेते हैं, ज़्यादा करीब नहीं जाते, ऐसा ना हो कि मुंह शाम तक स्वेल हुआ और शाम को वलीमे पे भी जाना है।
ये रहा जी छोटी शहद की मक्खियाँ, एक पिछले दिनों इधर भी था लेकिन वो शायद उड़ गई हैं क्योंकि बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, गली के बिल्कुल साथ है। और आज मौसम बना हुआ है आंधी वाला, ये जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद में उड़ेंगी तो ज़्यादा दूर ही रहते हैं। इसकी स्टोरी क्या है, ये यहाँ पे लगा कैसे है, वो कुछ लोग सब्सक्राइबर्स को मेरे जानते होंगे, उन्हें पता होगा, और जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ कि तो 3 माह पहले मैंने अपने इस लीची के पौधे पर और बाहर शहद मेरे पास पड़ा हुआ था छोटी मक्खी का, वो मैंने काफ़ी जगह पर लगाया था। और उसके अलावा शक्कर जो है वो गर्म करके पानी में मेल्ट करके वो भी लगाई थी काफी सारी टहनियों पे। यहाँ पे अब तो निशान भी नहीं बाकी रहे, यहाँ पे तो नहीं लगाया उन्होंने छत्ता, अलबत्ता बाहर दो छत्ते लगे थे जिनमें से एक जो है अभी बचा हुआ है और एक जो छत्ता है उसकी मक्खियाँ जो है वो सारी उड़ गई हैं। अंजीर का भी फल भी हमारा काफी सारा पका हुआ है, कल भी मैंने कुछ फल जो है इसके तोड़े थे। और यहाँ पे एक और फल जो है ये भी पका हुआ है, ये इसको दूध के बच्चों को देते हैं। पहला फल जो है वो मैंने अम्मी को दिया था कल इस सीजन का, और एक खुद खाया। और उम्मीद है कि अब तकरीबन 2-3 दिन में ये फल जो है, क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी होगी तो उतना जल्दी पकता है और उतना ज़्यादा मीठा और बड़ा होता है। ओवे लेट फेग अरे चलें आपको भी देते हैं और हाफ और हाफ का शान को। ओके सो ये बच्चों की गाड़ी मैंने उतार तो ली है लेकिन अब ये लोग जो है जिद पे अड़े हुए कि हमने चलानी है, और ये चलती है नहीं क्योंकि इसकी बैटरी जो है बिल्कुल ख़त्म है। मैं तो समझ रहा था इसकी काफ़ी बड़ी बैटरी है क्योंकि चार्जिंग का काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है निकाल देती है, लेकिन ये बिल्कुल छोटी बैटरी है बाइक से भी। तो बैटरी निकालते हैं और 2 दिन में शायद बाजार जाऊँ तो फिर वहाँ से पता करूँगा, अगर मिल गई तो वेल एंड गुड, वरना मतलब मिली या ना मिली अरेंज तो करनी पड़ेगी। अरियान साहब ने तो ये काफ़ी चलाई है, शान ने चलाई नहीं है क्योंकि ये इस काबिल होता कि ये चलाता, इससे पहले ये गाड़ी जो है वो ख़राब हो चुकी थी। इसका एक तो ये जो है गेयर मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे याद है एक तो ये इन्होंने ख़राब किया हुआ था, एक बैटरी का इशू था, और एक ये बटन तो मैं ले आया हूँ। अब जस्ट इसका ये कैसे अरेंज करना है जो गियर है और बैटरी, और इसके बाद गुड एंड गुड। अभी जो है बैटरी निकालते हैं और ये 2 दिन में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अरेंज हो जाए ताकि बच्चे जो है वो भूले रहे, और पैकेज का जो है वो यबन का टीटा ना हो, पैकेज ये 4-5 दिन में ख़त्म कर देते हैं, सारा डाटा यूज़ हो जाता है। तो ये है जी हमारी बैटरी, अब ये 3-4 दिन तक इंशाल्लाह बाजार जाऊंगा तो वहाँ से पता करूँगा, कॉलेज रोड रावलपिंडी से होपफुली वहाँ से मिल जाएगी और वारे में मिल जाएगी। इसके ऊपर एक इसका पार्ट है वो बच्चों ने के गुम कर दिया, वो भी ढूंढना पड़ेगा। ये जस्ट बटन लाना है, वापस लाना है एंड दे आर गुड टू गो। सो इसी के साथ मैंने सोचा कि अगर खोली है तो गाड़ी की सफाई भी कर दूँ क्योंकि बहुत गंदी इन्होंने की हुई थी। तो मैंने वॉश करके इसको लस्टर वगैरह मारा है और गाड़ी बिल्कुल शशका हो गई है। जब से बच्चों की गाड़ी लाई है तब से लेकर अब तक इसकी ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, एक इस साइड पे स्टिकर लगा हुआ है, एक इस साइड पे लगा हुआ है ये वाला, और एक जो है इसका उतर गया वो भी अंदर पड़ा हुआ है। ये इंस्ट्रक्शंस मैंने पढ़ी नहीं है क्योंकि पढ़ी जा ही नहीं सकती, चाइनीज़ जुबान है। सो इसको भी आज पढ़ते हैं, गूगल करते हैं क्या है, और ये वीडियो क्लिप आपके साथ भी मैं शेयर करता हूँ कि ये इंस्ट्रक्शंस हैं क्या एक्चुअली। सो इसकी इंस्ट्रक्शंस चेक करते हैं, अपना गूगल खोलते हैं, गूगल खुल गई, और यहाँ से स्नैपशॉट कैमरा, और ये रहा ट्रांसलेट। इसको पहला ये वाला स्टिकर देखते हैं क्या है लिखा हुआ, ये गाड़ी को इस्तेमाल करने से पहले किसी भी बालक के ज़ेहन नसब और मुआयना करना चाहिए, चोट के खतरे। खैर ये आप लोग पढ़ लें, मैं तो बाद में पढ़ लूँगा। और दूसरा ये क्या लिखा हुआ है, मशहूर ब्रांड की मसनूआत में, अच्छा ये नंगबो ये कोई कंपनी का नाम है और ट्रेडमार्क, ये जिस कंपनी की गाड़ी है उनका ये लगा हुआ है ट्रेडमार्क का स्टिकर। और इस साइड पे भी एक स्टिकर लगा हुआ है, ये भी देख लेते क्या लिखा हुआ है, खबरदार करना छोटी चीज़ों से दम घुटने का खतरा होता है और 3 साल से कम उम्र के बच्चों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी से ज़िंदगी कितनी आसान हो गई है, घंटों का काम मिनटों में और बगैर मेहनत किए हो जाते हैं, लेकिन जहाँ पे इस टेक्नोलॉजी के फ़ायदे हैं वहाँ पे डेफिनेटली ओबियसली इसके नुकसान भी हैं, लेकिन ये तो खुद पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से यूज़ करते हो, किस वे में यूज़ करते हो। अगर आप इसको अपने अच्छे किसी मकसद के लिए, किसी इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हो तो उसके रिजल्ट आपको ओबियसली बेहतर मिलेंगे, जो कि मिसाल आपके सामने है, और अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो उसके नतज भी आपको बुरे ही भुगतने पड़ेंगे। सो खैर वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, तो यहाँ पे आज की वीडियो करते हैं ख़त्म, लेकिन इससे पहले कि वीडियो को ख़त्म करें काइंडली वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।